वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. ये भी इसकी भी लाइट जल्दी थी, मैंने कहा चले यहाँ से वेलकम कर लें आपको. कैसे हैं आप लोग सब? अच्छा जी, अब जो टॉपिक है, हमने बड़ा गंभीर सा इशू वैक्सीन का भी आपके सामने रखा, बट दिस इज डेफिनेटली समथिंग टू पे हीड टू बिकॉज आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ फॉरन रिलेशन एंड डिप्लोमेसी. तो ये बड़ा अहम है कि पाकिस्तान नजर रखे कि दुनिया भर क्या कर रही है. लेकिन अब जरा लेट्स ब्रिंग द सब्जेक्ट क्लोजर टू होम. हम सबका हक है जी कि अच्छे लगें, और उसके लिए पीपल गो फॉर इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स एज वेल. यानी आपके पास खूबसूरत दिखने के, स्मार्ट दिखने के, कम उम्र दिखने के रूटीन तरीके हैं जो जरा लॉन्ग टर्म हो सकते हैं. उसमें आपने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखनी है, जिम पे जाना है, थोड़ी अपने आप पे पाबंदी लगानी है. लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ कंडीशंस या आपकी एज की वजह से आपको हो सकता है वो रिजल्ट्स ना मिल रहे हों जो आप चाहते हैं. तो हमने देखा पहले लाइपोसक्शन की बात होती थी जिसमें आप बाकायदा सर्जरी करके बॉडी से एक्सेस फैट को रिमूव करते थे. अब रादर देन गोइंग थ्रू दैट, देयर इज ऑल्सो अ सोल्यूशन अवेलेबल थ्रू लेजर्स. आप अपनी बॉडी को कंटूर कर सकते हैं, ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं, इंचेस लूज कर सकते हैं. कहीं फ्लैबी स्किन है, कहीं आपको लूज स्किन तो नहीं, कहीं पे आपको फैट अगर ज्यादा लग रहा है तो आप उसको कम कर सकते हैं. लेकिन ये डिफरेंट लेजर मशीन्स के डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं, हर कोई आपको ऑफर कर रहा है. इसमें गिमिक्स भी हो सकती है, इसमें मनी मेकिंग भी हो सकती है. तो हमारे पास ये सवाल आया, हमने कहा चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि इसके रियलिस्टिक रिजल्ट्स क्या होते हैं और इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन रोशन. शी इज एन MBBS डॉक्टर, ऑफ कोर्स एन एस्थेटिक प्रैक्टिशनर, और इनका अपना क्लिनिक भी है दैट यू मस्ट गो एंड विजिट एज वेल. जी डॉक्टर अमरीन, वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अगेन. अमरीन मुझे बताइएगा, जब हम बात करते हैं लेजर्स का, एक बहुत ही ओवरवेट इंसान क्या ये एक्सपेक्टेशन रखे कि 5 से 6 सिटिंग में वो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट और कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बॉडी उसकी हो जाएगी? ये रियलिस्टिक है सोचना? देखिए सजा, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हर इंसान ये ख्वाहिश, आजकल इतने लोग डॉक्टर हैं, इतने फिट चल रहे हैं सब, कि बहुत सारे लोगों को देखकर होता है कि यार हमें भी पतला जिस्म चाहिए. हाँ. हमें भी फिट चाहिए. पर आप देखें कि कितने लोगों की मजबूरियां हैं. अगर किसी को PCOS है, बहुत किस्म के हार्मोनल इश्यूज हैं, खासतौर पर औरतों की बात करें मैं, उनको फिट होना है पर नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इश्यूज. तो मैं कहती हूँ जब तक हार्मोनल इश्यूज हैं, PCOS या कोई भी थायराइड हो गया, कुछ हो गया, तब तक वो नहीं छेड़े. क्योंकि एक हार्मोनल प्रेजेंट इशू के साथ अगर आप जाकर अपनी कंट्रोलिंग कराते हो, वो नहीं होगी, टेम्परेरी भी नहीं हो पाती. तो यू विल जस्ट वेस्ट योर मनी. हाँ, एक नॉर्मल इंसान जो खा पी के मोटा हो गया है, उसको वापस सेटल होना है, पहले तो सबसे पहले वो अपने डाइट पे कंट्रोल रखे, खाए पिए सब लिमिट में. उसके बाद जब हमारे पास आता है तो हम, मैं आपको बता दूं, हमारी मशीन सिर्फ स्मार्ट के लिए, एक्स्ट्रा स्मार्ट करने के लिए है, सिर्फ स्मार्ट लोगों को. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक अच्छे खासे मोटे को हम पतला कर दें. वो अपनी हेल्प करे, कम खाए. एक अच्छा खासा सेटल्ड बंदा जो कि थोड़ा सा उसका फैट फंसा हुआ नहीं निकल पा रहा, या कोई खास ऐसे स्पॉट. अब अक्सर अगर आप जिम जाएं तो कई खवातीन और कई एक्सरसाइज करने वाले पूछे तो कोई ऐसी एक्सरसाइज कराएं जिससे हमारे आर्म्स कम हो जाएं, जिसमें हमारी वेस्ट थोड़ी सी कॉन्टोर हो जाए. तो मैंने हमेशा इन माई ओन फिटनेस ट्रेनर फातिमा ज़ारा मलिक, शी सेज ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, आप ओवरऑल कार्डियो करें तो आपका ओवरऑल फैट कम होता है. लेकिन ये स्पॉट रिमूवल वाली एक्सरसाइज से नहीं होता, लेकिन हाँ, मे बी कॉन्टोरिंग कैन हेल्प यू. तो एक नेचुरल सवाल फिर ये बनता है डॉक्टर अमरीन, कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरे की बात करूं, वेस्ट में कहा जाता है कि बिला जरूरत एक्सरे ना कराएं, क्योंकि हर एक्सरे जो रेडियो एक्टिव रेज आप अपने अंदर लेते हैं वो आपकी जिंदगी का एक दिन कम करता है. यानी ये उसके रीजंस हैं. जी, तो व्हाट अबाउट दिस अल्ट्रासाउंड? ये भी तो रेज हैं, ये भी तो हम बॉडी में ले रहे हैं. इसका क्या लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में कोई खतरनाक असर हमारी बॉडी पे? देखिए, लेजर्स भी फॉर श्योर कहीं ना कहीं इनका भी साइड इफेक्ट होते हैं. जो लेजर्स की, जैसे हेयर रिमूवल है, कंटूरिंग है, इनका जो वेवलेंथ है वो बहुत इन्होंने कम लिमिटेड बनाया हुआ है. कोई भी मशीन कर लें, अमेरिकन, कैनेडियन, चाइनीज, कुछ भी, इनका जो वेवलेंथ है वो उन्होंने इतना सेटिस्फैक्ट्री अपने हिसाब से बनाया हुआ है कि वो पेशेंट को इन्वेजिवली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है सच. पर अगर आप कंटिन्यूसली कोई चीज करते रहो तो डेफिनेटली कोई भी चीज हार्मफुल. लेकिन डॉक्टर अमरीन, व्हाट अबाउट द ओरिजिन ऑफ दीज मशीन? अगर मैं इस वक्त देखती हूँ मार्केट में चाइना मेड लेजर मशीन भी हैं, जर्मन मेड भी हैं, अमेरिकन भी हैं, इनकी प्राइसेज अलग अलग हैं. हो सकता है इमीडिएटली आपको रिजल्ट दे रही है, लेकिन हम कैसे फॉर श्योर कह सकते हैं कि ये मुजरे सेहत नहीं होंगी? यू आर राइट, आई एग्री टू इट. मैं ये बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात को. तभी हम कहते हैं कि जिसने भी मशीन बनाई, जिस भी मुल्क से, जहां से भी ईजाद हुई,
सिर्फ ये पता कर लें जरूर कुछ भी कराने से पहले कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, और जो भी कोई एक डिसेंट डॉक्टर होगा वो आपको जरूर बताएगा कि ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, अब आपकी मर्जी है, कुछ अपनी मदद करें कम खाकर, कुछ हमारे पास आए कि हम आपको कंट्रोल करें। तो ये सवाल लोग करते हैं, ये मेरे ख्याल में आज हमारा सेगमेंट करने का मकसद भी यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट भी है इसमें, सिर्फ किसी बहुत ज्यादा फ्लैशी सी जगह पे जाके एक बड़ा खूबसूरत सा नजर आने वाला क्लिनिक है, बड़ी डेकोरेटिव डिग्रीज अगर किसी की लगे, अपनी रिसर्च आपने खुद जरूर करनी है। पेशेंट्स या क्लाइंट्स डॉक्टर अमरीन कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले ये पूछते हैं कि जो मशीन का इस्तेमाल हो रहा है इसकी ओरिजिन कहाँ की है? आपको पता है पिक्चर्स भी खींचते हैं। अच्छा। और उनको अक्सर हमारे पास आने से पहले पता होता है कि कौन से नाम के साथ कौन से मुल्क की मशीनें हमारे पास हैं। तो पीपल आर वेरी एक्नॉलेज नाउडेज। आप क्या रेकमेंड करेंगे हमारे वो नाजरीन जो मेरी तरह है उनको नहीं पता, तो विच मशीन आर मोर क्रेडिबल, विच नेम्स शुड दे गो आउट फॉर? आई विल टेल यू, फॉर द फेस अल्थेरा। अल्थेरा एक इतनी अच्छी मशीन है, अमेरिकन मशीन है, इतनी अच्छी मशीन है फेस के लिए कि जिसको इन्वेजिवली कोई बोटॉक्स फिलर्स या थ्रेड लिफ्टिंग नहीं करानी, तो वो अल्थेरेपी कराए। ओके। अल्थेरेपी से क्या है कि वो लेजर के थ्रू 300 शॉट्स लगते हैं फेस को, 300 to 400, डिपेंड्स ऑन हाउ लार्जर अ फेस इज, हाउ बिगर अ फेस इज। एंड यू वोंट बिलीव कि अच्छा हम भी ऐसा नहीं है कि मशीन खोली और हम शुरू हो गए। मशीन के ऊपर बिल्कुल एक अल्ट्रासोनिक की तरह आपके पास सामने सब लिखा हुआ है कि 20 शॉट्स चीक के एरिया पे, फिर उसके बाद नेजोलेबल एरिया पे कितने लगाने हैं, चीक बोन के पास कितने लगाने हैं, फोरहेड पे, सब उसको हमें सिर्फ फॉलो करना है। यानी एक फेस मैप बना हुआ होता है जिसपे ऑलरेडी गाइडेंस मौजूद है, इसका एक बाकायदा प्रोटोकॉल है। आपके प्रैक्टिशनर का क्वालिफाइड होना और जेन्युइन होना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे आपका इस बात पे रिसर्च करना कि मशीन जेन्युइन है, वेल मेंटेन्ड है, वारंटी के अंदर है। कभी कभार ये भी होता है पुरानी मशीन हो चुकी होती है एंड समटाइम्स यू कैन हैव एन एक्सीडेंट, सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और जैसे थायराइड, किसी को थायराइड ग्लैंड अगर नहीं भी है, किसी को थायराइड बिल्कुल ठीक है बंदा, फिर भी थायराइड ग्लैंड तो पड़ा है यहाँ, तो यहाँ पे आप मशीन को नहीं गुजार सकते। तो कोई अगर नेक को कंट्रोल कर रहा है तो वन हैज टू मेक श्योर कि हम सेंटर ऑफ द नेक जहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे गुजर भी नहीं सकते। ठीक है, सो दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अच्छा, डज दिस अप्लाई नॉट जस्ट फॉर कॉन्टोरिंग? आजकल बहुत सारी खवातीन लेजर ट्रीटमेंट्स करा रही हैं, और एक बड़ी मैल प्रैक्टिस ये हो रही है कि कई सैलॉन ओनर्स ने भी हेयर रिमूवल मशीन में इन्वेस्ट कर लिया है। वहां पे वही बच्चियां जो आपका मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही होती हैं, उनको हल्की फुल्की सी ट्रेनिंग करके अब उनसे लेजर कराए जा रहे हैं। वहां पे मैं देखती हूँ अक्सर कि इवन द इंटायर नेक इज बीइंग ट्रीटेड। जी ऐसे ही, इससे कोई फर्क पड़ सकता है आपके? अगर आपका ग्लैंड हिट होता है तो डेफिनेटली आपको इंटरनल कोई इशू हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हम यही कहते हैं कि जहां से भी कराओ आप पता करके कराओ, यू शुड बी एक्नॉलेज अबाउट व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊं सजरा कि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं बिल्कुल अब इस तरह की फ्लैबी स्किन के साथ कि हमारे ये लूज हो गया है, वर्कआउट हमने कर लिया, अब इसको सही करें। लूज स्किन कभी भी नहीं कंट्रोल हो सकती मशीनों के थ्रू, यू कैन गेट सर्जरी फॉर दैट। सर्जरी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है, दिस इज फ्रॉम सादिया, शी इज राइटिंग इन फ्रॉम लाहौर, ट्विटर पे इन्होंने क्वेश्चन भेजा है। इनका पूछना ये है कि आई हैड गॉन फॉर लेजर हेयर रिमूवल, और उन्होंने बॉडी पे अपने हेयर रिमूवल कराया, बाल चले गए हैं, लेकिन अब ब्लड कैपिलरीज यानी जो छोटी छोटी वेन्स हैं वो बड़ी नुमाया हो गई हैं। ये नॉर्मल है, ये साइड इफेक्ट है, ये वक्ती है, इसके बारे में गाइड करें। ये नॉर्मल है पर ये एक साइड इफेक्ट ही है। जितने ज्यादा आप शुआएं लगवाओगे, अगर आपने 6 to 8 सिटिंग्स आपको किसी ने कही है, 6 to 8 सिटिंग से ज्यादा आप 2 साल तक करा रहे हो लेजर, तो डेफिनेटली स्किन को पतला करेगा, स्किन को पतला करेगा और ये एविडेंट हो जाएंगी। इसको रिवर्स कर सकती हैं वो किसी तरह से? ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हैं पर हर बंदा रिवर्ट नहीं हो पाता। ठीक, बहुत कम लोग हैं जो रिवर्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपके लिए एक और सवाल, क्योंकि बात हमारी अधूरी रह गई थी, अल थेरेपी आपने कहा फॉर फेस, अगर फेस की कॉन्ट्रोरिंग है, बॉडी कॉन्ट्रोरिंग के लिए विच मशीन शुड? अल्ट्राफॉर्मर। ये दो नाम हमने आपको बता दिए हैं, यू हैव टू डू योर रिसर्च, लेकिन इसके अलावा भी डिटेल्स आप, एनी पार्टिंग थॉट दैट यू वुड लाइक टू गिव देम अमरीन बिफोर वी क्लोज द सेगमेंट? आई वुड जस्ट से कि जिसने भी कराना है कभी भी लाइफ में, पहले अपनी डाइट से कंट्रोल करें, जो बच जाए उसके लिए हमारे पास आए। ओके, सो ये फिनिशिंग टचेस के लिए है, इससे ये मत सोचे कि साल भर जो आपने पिज्जा बर्गर्स निहारियां खाई हैं वो खत्म हो जाएगा, दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर फिनिशिंग ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन फॉर अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।